The London Top Show is sponsored by Khata Book in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति खाता बुक से दोस्ती खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। कोरोना संक्रमण के आंकड़े पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कितने बढ़े? नए मामले आए 70,421, ठीक हुए 1,19,501 और मौत का आंकड़ा 3,921। 24 घंटे में 4,000 मौत का आंकड़ा हमें महामारी के सबसे विभत्स दौर की याद दिलाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सारी मौतें 13 जून के दिन ही हुई। देश भर में कोरोना से हुई मौतों का बैकलॉग डेटा लगातार सामने आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 14 जून 2021 को छपी अमित भट्टाचार्य की रिपोर्ट बताती है कि 7 से 13 जून तक के हफ्ते में 25,000 से ज़्यादा मौतें रिकॉर्ड में दर्ज की गई। इनमें से 12,573 यानी तकरीबन आधी मौतें बैकलॉग की थी, यानी वो मौतें जो कोरोना से हुई लेकिन उस समय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई। कोरोना से मौत की सही जानकारी का महत्व हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र जैसे चुनिंदा राज्य ही नियमित रूप से बैकलॉग डेटा को आंकड़ों में शामिल कर रहे हैं। बिहार में एक बड़े बैकलॉग को तब स्वीकार किया गया जब हाई कोर्ट ने मौतों की जानकारी हलफनामे में मांगी। वैसे अभी भी हम नहीं जानते कि क्या बिहार में या दूसरे राज्यों में अब कोई बैकलॉग बाकी नहीं रहा। उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों का मामला थोड़ा अलग है। इन राज्यों ने छोटी छोटी संख्या में बैकलॉग मौतों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, लेकिन अब भी ज़्यादातर राज्यों ने आंकड़ों में सुधार की कवायद शुरू करना तो दूर, स्वीकार भी नहीं किया कि किसी तरह का बैकलॉग है या आंकड़ों की अंडर रिपोर्टिंग हुई है। केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें जब तक इस सवाल से कतराती रहेंगी तब तक हम इस मुद्दे को नियमित रूप से उठाते रहेंगे। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल, ट्रेड कर बेफिकर। दूसरी सुर्खी जुड़ी है बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की टूट की खबरों से, लेकिन बिना बैकग्राउंड के ना तो आपको मजा आएगा ना हमें, तो लीजिए रिकैप। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान अंग्रेजी मुहावरे पंचिंग अबव वेट के बढ़िया उदाहरणों के रूप में सामने आए। चुनाव से पहले अपनी पार्टी को लेकर एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान एक ही कंठ से नरेंद्र मोदी की तारीफ और नीतीश कुमार की बुराई करते रहे। जदयू की सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे। टिप्पणीकारों ने कहा कि चिराग नीतीश कुमार का वर्तमान खराब करके अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। अभी जेडीयू को खा पाए तो फिर आराम से बीजेपी के बरगद के नीचे पनपते रहेंगे। लेकिन अपेक्षित नतीजे आए नहीं, कम से कम चिराग पासवान के लिए। जेडीयू की 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें कम हो गईं, लेकिन दुनिया भर के दावे एक सांस में करने वाले चिराग की पार्टी से सिर्फ एक कैंडिडेट जीत सका। पार्टी की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। चुनाव के वक्त न्यूज़मेकर रहे चिराग नतीजों के साथ ही खबरों से बाहर हो गए, और जो रामविलास पासवान किसी कैबिनेट से बाहर न रहने के लिए जाने जाते थे, उनके बेटे और राजनीतिक वारिस किसी भी बार्गेनिंग पावर के अभाव में राज्य मंत्री तक नहीं बनाए गए। हालांकि तब से अभी तक कैबिनेट में विस्तार भी नहीं हुआ है। और जिस लोजपा में बिहार भर से टिकटार्थी और दूसरे नेता शामिल हुए थे, उसके नेता रोज पार्टी छोड़ने लगे। फरवरी 2021 में चिराग की पार्टी के इकलौते जो MLC थी नूतन सिंह, वो अपने पति की पार्टी भाजपा में शामिल हो गई। फिर अप्रैल का महीना आया तो लोजपा के इकलौते विधायक जो विधानसभा में थे राजकुमार सिंह मटियानी सीट से, वो नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल हो गए। और इसी के साथ नीतीश का सफाया करने चले चिराग की पार्टी बिहार विधानसभा से साफ हो गई। सब पूछने लगे चिराग के हाथ आखिर लगा क्या। और यही सवाल अब फिर पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बार सिर्फ लोजपा में टूट की ही खबरें नहीं आईं, अब चिराग के नेतृत्व को खुली चुनौती मिली उनके अपने घर से। लोक जनशक्ति पार्टी के पास 17वीं लोकसभा में चिराग को मिलाकर 6 सांसद हैं। इनमें से 5 ने मिलकर चिराग को सदन में पार्टी का नेता मानने से इनकार कर दिया। इस बगावत का नेतृत्व खुद चिराग के चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। इस बाबत एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपा गया है, और खत में सांसदों ने पशुपति पारस को सदन में पार्टी का नेता बनाने की बात कही है। और मजे की बात यह है कि इन 5 सांसदों ने नीतीश कुमार में ही भरोसा भी जता दिया। पारस ने प्रेस को भेजे अपने बयान में कहा कि रामविलास पासवान यही चाहते थे कि लोजपा केंद्र और बिहार में एनडीए का हिस्सा बने। टिप्पणीकार कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने जितना बैर नीतीश कुमार और जेडीयू से ले लिया था, उसके बाद यह संभव नहीं लग रहा था कि एनडीए के छत्र के नीचे दोनों पार्टियां एक साथ बैठ पाए। लोजपा को लेकर जेडीयू ने अपनी नाराजगी कभी नहीं छिपाई, और अब जब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लग रही हैं, पशुपति पारस और लोजपा के बाकी नेता नहीं चाहते कि उनकी तरफ आने वाली कृपा सिर्फ इसलिए रुक जाए क्योंकि उन्होंने समय रहते चिराग से किनारा नहीं किया।
क्योंकि नीतीश तो नीतीश खुद भाजपा में ऐसे नेता हैं जिन्हें लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने सीमाएं लांघकर ठीक नहीं किया। सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। अब हमारे दल में 6 विधायक 6 सांसद हम लोग हैं। पांचों सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। राता राती एक बैग कुछ नहीं हो जाता, इसमें कहीं ना कहीं से एक 3-4-5-10 इश्यूज होंगे, सबके अलग अलग 5 सांसद हैं और ये एक कल्मिनेशन हुआ ऑफ मेनी इश्यूज के कल रात में जो हुआ। तो मेरे हिसाब से तो मेरे अपने पर्सनली तो मेरा तो खाली बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने राय दिया था कि इस तरह से इंडिया में रह करके जदयू का खिलाफत करना और ख़ास करके मुख्यमंत्री का बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्राइडेंट ऑपोजिशन उनको अपोज करना, ये गलत स्ट्रैटेजी था। मेरा तो मेन डिफरेंस वही था। उसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो था और ख़ास करके कोरोना लेकर के तो मिलना जुलना हुआ ही नहीं 1.5 साल में, सिवाय एक आध बार के वो भी मीटिंग में मुलाकात हुई। लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ होता तो नेता जो होते हैं उनको कुछ आप कह नहीं सकें, वो कुछ सुन नहीं सकें, तो बात जो है बढ़ती जाती है। और खिचड़ी पक रही थी काफी दिनों से, ऐसा आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ अंदर पक रहा था जो पढ़ने में चिराग नब्ज पकड़ने में नाकामयाब रहे और उसी का नतीजा ही। सही बात है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का से मुराद यही है, मतलब यही है कि बहुत लोगों का अलग अलग शिकायत था। मेरी जो एक शिकायत थी वो यही थी कि बिहार इलेक्शन में स्ट्रैटेजी बिल्कुल रॉन्ग था, गलत था, उसको हम लोगों ने बहुत अपोज भी किया था। हमने लोगों की क्या शिकायत थी, आपने तो अपनी शिकायत बताई, और लोगों के पर्सनल क्या हो गई, लोग नहीं मिलते थे या कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग से बात नहीं होता, जो भी हो हम नहीं जानते, हमसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये काम दैवीय प्रेरणा से अपने आप हुआ होता तो नीतीश पोएटिक जस्टिस वाली बाइट दे पाते, लेकिन पटना पर नजर रखने वाले पत्रकारों ने सूत्रों के आधार पर दावा किया कि लोजपा दरअसल जेडीयू के एक ऑपरेशन का शिकार बनी है, जिसके लिए जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी दिल्ली में कैंप किए थे। दावा यह भी है कि इन दोनों नेताओं को भाजपा से भी समर्थन मिला था। वैसे जेडीयू ने ऐसे किसी भी ऑपरेशन की बात को सिरे से नकारा है। इसमें जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है, इसमें जेडीयू को जो लोग ये सब बात कहते हैं वो गलत कहते हैं, जेडीयू की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसमें तो जो उनके सांसद हैं उनकी भूमिका है, जेडीयू की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। मेंबर ऑफ लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका रहती है और जो वहाँ लोग हैं इनके जो लोग थे 5 एमपी उनकी भूमिका होगी, इसमें जेडीयू की कोई भूमिका नहीं। जेडीयू को ही नहीं नाराज डैमेज किया, ये तो पूरा एनडीए को नकारात्मक राजनीति किया ना उन्होंने। चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे वो, चुनाव दूसरों को हराने के लिए। सर जो भी हो, इस पूरे प्रकरण से ये साफ हो गया कि लोजपा नेता चिराग के दुस्साहस पर सत्ता में भागीदारी को तरजीह देते हैं। तीसरी सुर्खी बिहार के बगल के राज्य यूपी से। एक निजी समाचार चैनल से जुड़े पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। सुलभ प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। 13 जून को जिले के कटरा इलाके में एक ईंट के भट्टे के पास उनका शव मिला। 12 जून को ही सुलभ ने एडीजी यानी पुलिस के अधिकारी प्रयागराज के उनको खत लिखकर शराब माफिया से अपनी जान का खतरा बताया था। सुलभ ने शराब माफिया पर कई खबरें प्रकाशित की थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने शुरुआत में कहा कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट है। प्रतापगढ़ की पुलिस का ये बयान सुनिए। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10:11 के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्टे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके पश्चात पुलिस स्थानीय पुलिस टीम एवं मैं एवं सीओ सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।
प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लेकिन 14 जून को जब कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे हैंडपंप से टकराने वाली थ्योरी पर सवाल उठे, मिसालन ये सवाल कि अगर ये हादसा ही था तो सुलभ के कपड़े कैसे खुल गए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर दैनिक भास्कर अखबार का वो ग्राफिक भी वायरल होने लगा जिसमें बताया गया किस तरह से प्रतापगढ़ में कोई भी पुलिस अधीक्षक ज़्यादा टिक नहीं पाता। अखबार के मुताबिक 30 साल में 67 पुलिस अधीक्षक जिले में तैनात हुए और पिछले 6 महीनों के भीतर 3 IPS अधिकारी छुट्टी पर चले गए। प्रतापगढ़ में नकली शराब का धंधा कितने बड़े पैमाने पर होता है ये यूपी में एक ओपन सीक्रेट है। इस साल अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रतापगढ़ में 7 लोगों की जान नकली शराब पीने से हुई। इसके बाद पुलिस ने शराब की एक फैक्ट्री जब्त की थी। पुलिस पर कार्रवाई का दबाव पड़ा तो जब्ती छापे से आगे जाकर जांच हुई जिसमें ASP रैंक तक के पुलिस वाले शराब माफिया से मिले पाए गए। इन्हें सस्पेंड भी किया गया और इसी कवायद के बीच कुख्यात शराब माफिया संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने सरेंडर किया। इसीलिए जल्दबाजी में सुलभ की मृत्यु को हादसा बताना पुलिस को उल्टा पड़ गया। प्रतापगढ़ से भाजपा के सांसद संगम लाल गुप्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर मांग की कि पत्रकार की मृत्यु के मामले में जांच हो, परिवार का पुनर्वास हो। अपने खत में सांसद ने हत्या के बाद हादसे की शक्ल देने वाली बात का जिक्र भी किया और अब खबर है कि पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में पत्रकार की पत्नी रेणुका श्रीवास्तव ने कहा उन्हें 3 दिनों से धमकी मिल रही थी। 13 जून को असलहे की फैक्ट्री की खबर को कवर करने गए थे। जब खबर मिली कि हादसा हुआ तब वो घटनास्थल पर पहुंची जहां उन्हें अपने पति के हुलिये से लगा कि उन्हें पहले मारा गया और फिर हादसे का रूप दिया गया। अब ये तय है कि योगी आदित्यनाथ सरकार से एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न किए जाएंगे। चौथी सुर्खी जुड़ी है महाराष्ट्र से, ये भी राजनीतिक सुर्खी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, पहले स्पीकर थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सूबे में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, अगर हाईकमान कहे तो मैं CM फेस बनने को तैयार हूं। अब मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे 2024 में, तो नाना पटोले ने यह बयान क्यों दिया? दरअसल बीते हफ्ते महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे दिल्ली आकर PM नरेंद्र मोदी से मिले। PM-CM की इस बैठक ने एक बज पैदा किया। फिर संजय राउत का बयान आया कि मोदी नंबर 1 लीडर हैं। फिर ये खबर आई कि NCP सुप्रीमो शरद पवार प्रशांत किशोर से मिले, तो महाअघाड़ी सरकार के 2 घटक शिवसेना और NCP अपने बयानों और बैठकों से खबर बना चुके थे और दबाव भी। नाना पटोले का बयान इसी बैकग्राउंड में देखने पर लगता है कि वो भी बाकी 2 पार्टियों की तरह सरकार में तो बने रहना चाहते हैं लेकिन अपने सहयोगियों को पूरी तरह सहज नहीं होने देना चाहते। महाराष्ट्र इधर कुछ दिनों से लगातार खबरों में है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सवाल के 2 जवाब हैं, एक थ्योरी में जो आप इस हफ्ते के नेता नगरी शो में भी देख सकते हैं और दूसरा प्रैक्टिकल कि जो आएगा नजर आएगा। आखिरी सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी है। उनकी मौत को 1 बरस पूरा हो गया। पहले कहा गया आत्महत्या है लेकिन फिर इस मामले ने वो तूल पकड़ा कि 3 महीने खबरों से बाहर नहीं हुआ। पहले बॉलीवुड में मौकों और दबाव की बात हुई, फिर हत्या का आरोप लगा। उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती एक लंबे मीडिया और पब्लिक ट्रायल से गुजरी। मुद्दा बिहार चुनाव में भी उछला और मुंबई में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। बिहार चुनाव में भी ये मुद्दा उछला और मुंबई में हुई घटना को लेकर पटना में मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुंबई और बिहार पुलिस के साथ साथ इस मामले में आर्थिक अपराध की जांच के लिए ED आई और जब बात ड्रग्स की होने लगी तो नारकोटिक्स ब्यूरो भी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो मामला एक तीसरी केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के पास गया। इस मामले में कोई भी जांच एजेंसी ठोस कारणों का पता अभी तक नहीं लगा पाई है और न ही किसी आरोपी पर मुकदमा चलाने लायक साक्ष्य मिले हैं। CBI का कहना है मामला अभी ओपन है, यानी एजेंसी अपना काम कर रही है, वक्त आने पर नतीजा बताएगी।